अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, आई एम जुबैर सलीम और हम क्वेश्चन करने लगे हैं स्प्रिंग 20 का रेशोज के ऊपर। स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया, एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें एक सेंस डेवलप होगी कि यार कौन सी रेशो क्यों कैलकुलेट होती है और वो रेशो आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करती है। इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, दो कंपनीज़ को कंपेयर किया और डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू उसने इस क्वेश्चन को सेट किया है और आप यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे है क्या। प्लीज़ ज़रा, बहुत ही अच्छा अच्छी रिक्वायरमेंट सेट की है उसने, तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा कि क्या है। सर, कंप्यूट रेलिवेंट रेशोज ऑफ SL एंड TL। दो कंपनीज उसने दी हैं और वो कह रहा है कि रेलिवेंट रेशोज कैलकुलेट करें। टू सेस विच कंपनी सीम्स टू, और क्या सेस करना है कि कौन सी कंपनी नज़र आ रही है गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम। कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है अपने एम्प्लॉइज़ को कि वो ज़रा जल्दी पे कर दें। पहला पॉइंट। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि आप रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड की रेशो कैलकुलेट करें और ये रेशो कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखें कि कौन सी कंपनी है जो जल्दी पैसा कलेक्ट कर रही है। देखें, जो कंपनी का कलेक्शन पीरियड कम है यानी वो जल्दी पैसे कलेक्ट कर रही है वो ज़्यादा इंसेंटिव दे रही होगी टू कलेक्ट अर्ली। इन शॉर्ट वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड किसका कम है, SL का या TL का, ये आप लोगों ने काम करना है। तो जिसका कम होगा आप कहेंगे यार कि ये इट सीम्स दैट इट दिस कंपनी, जो कंपनी का रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कम है, इट सीम्स दैट दिस कंपनी इज गिविंग इंसेंटिव्स टू इट्स कस्टमर्स फॉर अर्ली पेमेंट्स। सिंपल, ओके। इसका मतलब रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड जिसका कम है उसके बारे में पूछ रहा है और यही बात आपने लिख देनी है कि दिस कंपनी सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर। जिसका कम है उसका नाम लगाना है और ये बात एज इट इज आगे टका देनी है आपने। ओके, इसका मतलब है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट इज कि आप लोगों को एवरेज रिसीवेबल्स लेने होते हैं। तो एवरेज रिसीवेबल्स तो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता क्योंकि मेरे पास दो कंपनीज हैं और मुझे दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए लेकिन गिवन नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू, मुझे ये जो गिवन है क्लोजिंग वही ले लेने चाहिए। तो आई शुड बी यूजिंग दिस रिसीवेबल। तो इसका मतलब ये है कि मैं SL और TL के लिए फार्मूला क्या होता है इसका, डेटर्स आप ऊपर लेते हो, ये लें जी डेटर्स, डिवाइडेड बाय आप करते हो सेल्स, ये लें, प्रेफरेबली क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो यू कैन यूज़ द टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये एक साल में जितने डेज होते हैं, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सर अगर आप गौर करो तो 2700 आपके पास आ रहे हैं SL के सेल जो डेटर्स हैं, तो ये 2700 आ गए बच्चों, डिवाइडेड बाय SL की जो सेल्स हैं दैट इज 16,700 इंटू 365 करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएंगे, इंटू 365 करना है आपने, तो जब आप इंटू 365 करोगे यू विल गेट अ रेशो। कितनी रेशो आ रही है सर? ये आ रही है 59 डेज, ये 59.1 डेज आ रही है। ओके सर, 0.01 डेज। TL का सेम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, 3200 डिवाइडेड बाय 35,400, तो आपको चाहिए कि ये रेशो आप कैलकुलेट करके दिखाएं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, सो 3200 प्रॉपर फॉर्मेट में इसी तरह यहाँ पे 3200 आप लोगों के पास डेटर है डिवाइडेड बाय 35,400 इंटू 365। बच्चों ये रेशो आ रही है आप लोगों के पास 32.99 और अप्रोक्सीमेटली 33 डेज। अब मुझे बताएं कौन सा बंदा जल्दी पैसा कलेक्ट कर रहा है? तो इट सीम्स दैट TL, ज़रा और करना है, इट सीम्स दैट TL सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम। सिंपल सी ये लाइन लिखनी थी आपने, दैट्स इट।
ओके, सो इसका मतलब है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हमें ये समझाता है कि कौन जल्दी पैसा कलेक्ट कर रहा है। जो जल्दी पैसा कलेक्ट करेगा उसका कैश के हालात ठीक रहेंगे। ऑब्वियसली इनको जल्दी पैसा कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी देना पड़ता होगा, तभी तो जल्दी कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये कहानी है, सिंपल सी बात है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग गाइस? नेक्स्ट भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। वो कह रहा है कौन सी कंपनी है जो के डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है, अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, यानी कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा सप्लायर से टाइम ले रही है। इसका मतलब है वो पेएबल पेमेंट पीरियड का पूछ रहा है आप लोगों से। आपने पेएबल पेमेंट पीरियड का बताना है, और पेएबल पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला भी सेम, पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस होता है। क्रेडिट परचेजेस ना मिलें परचेजेस कर लें, परचेजेस ना मिलें तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल ना गिवन हो, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन हो, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट परचेजेस। लेकिन इतने पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं होती जब एक बड़ा क्वेश्चन चल रहा होता है। सो पेबल पेमेंट पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, पेबल लेने चाहिए डिवाइडेड बाय क्या कर देना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल कर देना चाहिए डिवाइडेड बाय। पेबल्स कितने हैं सर? सर अभी देख लेते हैं, क्रेडिटर्स सर एसएल के 2900 है, तो इसका मतलब है एसएल के 2900 पेबल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल कितने हैं जी? 11400 है। तो 11400 कॉस्ट ऑफ सेल है मल्टीप्लाई बाय 365 है। इन द सेम वे दूसरे वाले भाई टीएल के 4500 डिवाइडेड बाय 27500 इनटू 365 करेंगे। जब आप ये करोगे गाइस, तो यू विल गेट एसएल के 92 डेज आ रहे हैं, 92.85 डेज आ रहे हैं। ये ले, इतने दिन है, इतने दिन ये लेता है उसको उनको पे करने के लिए। इसका मतलब इतना उधार इसे मिलता है, 92 डेज की टर्म्स पे इसको सप्लायर्स चीज़ें बेचते हैं। ये वाले जो भाई हैं इनका आ रहा है 59.08, ये लें जी इतने डेज आ रहे हैं इनके। सर अब कौन है जो ज़्यादा एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स पे चीज़ें सप्लायर से ले रहा है? सर ऑब्वियसली इट इज़ एसएल। तो आपने लिखना है एसएल सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, ये लाइन आपने बनानी थी। दैट्स इट, दैट्स इट, बस जी बिल्कुल बस इतना ही है सर, बिल्कुल इतना ही है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? इन द सेम वे टू बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल। सर यूज ऑफ कैपिटल में कौन एफिशिएंट है कौन एफिशिएंट नहीं है, इसका ताल्लुक होता है मेरे बच्चों, इसका ताल्लुक होता है किसके साथ ताल्लुक होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चों फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं आप, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं आप लोग, और डिवाइडेड बाय, यानी प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कर देते हैं आप। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये जी इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना है हमें, फॉर्मूला लगा देते हैं। सर एस एल का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो एस एल का फॉर्मूला कैसे लगेगा और टी एल का फॉर्मूला कैसे लगेगा, प्लीज़ ज़रा समझें। सर ये आपके पास नेट प्रॉफिट है 15,500, इसमें से मुझे फाइनेंस कॉस्ट से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो अगर मुझे पहले का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 250 पहले लेस हुआ हुआ क्या करा देना चाहिए, ऐड बैक करा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे लेना चाहिए 1550 प्लस इसमें ऐड करना चाहिए 250 डिवाइडेड बाय, जी सर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है मेरे बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड है जी सर कैपिटल रिजर्व्स यानी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लें दोनों को कंबाइन कर लें, 8400 प्लस 1900, तो ये लें जी 8400 प्लस 1900 इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट जो आप लोगों को चाहिए। तो ये रॉस आ जाएगा सर, ये रॉस आ रहा है 17.48%, ये लें जी 17.48%। ओके टीएल सर, टीएल भी सेम इसी तरह करें, ये नेट प्रॉफिट है मुझे बिफोर इंटरेस्ट चाहिए तो 600 इसमें ऐड बैक हो जाएगा, तो इट विल गिव मी 2100, 600, 2700 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इन द सेम वे डिवाइडेड बाय ये आप लोग दोनों मिला लें तो ये अमाउंट जो आ रही है इट वुड बी 13,000, 14,005, चलें जी 9458
प्लस 4600 इंटू 100 करेंगे तो सर यहाँ पे भी 1% आ जाएगी। कितनी परसेंटेज आ रही है गाइस देख लेते हैं जी। 19.22% आ रही है सर। सर आपको कौन बेहतर लग रहा है, कौन अपने फंड्स को कैपिटल एम्प्लॉयड को ज़्यादा अच्छा जनरेट कर रहा है टू अर्न रिटर्न्स, कौन ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे? तो इट सीम्स दैट टीएल इज, इट सीम्स क्या लिखना है, टीएल सीम्स टू बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल, दैट्स इट सर, ये लिखना है आप लोगों को। ओके फेयर इनाफ सर, आगे क्या करना है सर हम लोगों ने, व्हाट इज नेक्स्ट सर? आगे सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है वो, कीप लोअरिंग सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट प्राइस। कौन बंदा है जो अपनी सेलिंग प्राइस को कम रख रहा है ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके? मार्केट शेयर का मतलब होता है कि जो अगर मार्केट में टोटल 1000 यूनिट्स बनती हैं बिकती हैं तो 1000 में सबसे ज्यादा कौन बेचता है, ये मार्केट शेयर होता है। जिसकी सेल ज्यादा उसका मार्केट शेयर ज्यादा। तो मार्केट शेयर को बरकरार रखने के लिए यानी सेल ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आपको अपनी प्राइस को थोड़ा लो रखना पड़ता है। जब आप सेलिंग प्राइस कम रखोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो सर आपने बताना है ग्रॉस प्रॉफिट किसका कम है और आपने सेल्स का वॉल्यूम यानी सेल्स अमाउंट भी चेक कर लेनी है, किसकी सेल्स अमाउंट ज्यादा है, ये काम करना है आपने। ठीक, अब जरा देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है, हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टीएल एसएल के लिए 5300 का ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय सेल्स एंड 16700 इनटू 100 करेंगे तो ये आप लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा विच इज 31.74%। ये लें सर, ये आपके पास आ गया। ओके व्हाट अबाउट टीएल सर, टीएल का भी कैलकुलेट कर लें सर। 7600 आपके पास आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स देख लें 35400 आ रही हैं, इनटू 100 करोगे यू विल गेट परसेंटेज और परसेंटेज आ रही है 21.47%। 2 डेसिमल पॉइंट्स तक चलना चाहिए रेशियोज में भी। सर कौन है जो कि कम प्रॉफिट कमा रहा है सर, ये 21.47%। सो इट सीम्स दैट जो भाई हैं टीएल भाई हैं टीएल इज TL seems to keep lower selling price to gain the market share. और sales भी देख लें ज़्यादा कर रहा है। That's it. Okay sir, fair enough. आगे चलते हैं sir. What is next sir? आगे क्या sir? आगे है have a better liquidity position. तो liquidity position का मतलब होता है दो ratios. Current ratio, quick ratio आप दोनों calculate करके बताएं किसकी बेहतर liquidity position है. तो sir ये कैसे calculate करेंगे? Sir simple है. अभी calculate कर लेते हैं sir. करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज करें इन द सेम वे, आप करंट रेशोज और क्विक रेशोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि हमने किस तरह ये रेशोज कैलकुलेट करनी है। अब मेरे बच्चों हमारे पास आ रहे हैं करंट एसेट्स, प्लीज देख लें जरा एसएल के भी और टीएल के भी। तो करंट रेशो में हम लोग करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज करते हैं। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अभी आप लोगों को आंसर भी दिखाते हैं कि किस तरह आंसर प्रोड्यूस करना था आपने। सो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों करंट एसेट्स एसएल के हैं 8700, तो एसएल के आ रहे हैं 8700, टीएल के भी आ रहे हैं कितने आ रहे हैं टीएल के जी, टीएल के आ रहे हैं 11100। तो ये आपके करंट एसेट्स हैं सर और नीचे टोटल एसेट्स गिवन है। तो सर ये 8700 एसएल के डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ किधर हैं जी, करंट लाइबिलिटीज़ ये हैं 3800 है करंट लाइबिलिटीज़, तो डिवाइडेड बाय 3800 ये लें जी ये करंट रेशो आ। इसी तरह टीएल का 11100 है और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ 4850 है, 4850। तो सर अगर हम करंट रेशो को चेक करें कि करंट रेशो किसकी कितनी आ रही है, तो इस वाले भाई की आ रही है 2.29 टाइम्स और ये वाले जो भाई हैं दूसरे वाले जो भाई हैं उनकी भी 2.29 आ रही है। लें यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ कि किसकी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है, तो अपेरेंटली दोनों की लिक्विडिटी पोजीशन सेम है। अब हमें क्या करना चाहिए, जब करंट रेशो डिसाइड ना कर पाए तो हमें क्विक रेशो कैलकुलेट करके डिसाइड कर लेना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट क्विक रेशो। क्विक रेशो में आपने वही करंट एसेट्स लेने 8700, लेकिन आपने इसमें से इन्वेंट्री जो है 4800 की माइनस कर देनी है डिवाइडेड बाय सेम करंट लाइबिलिटीज 3800 ही रहेंगे। इन द सेम वे टीएल के लिए आपने क्या करना है बच्चों,
ईएल के लिए आपने 11,100 करंट एसेट्स यूज करने हैं, 11,100, लेकिन इसमें से इन्वेंट्री विच इज 7,100 वो माइनस कर देनी है और डिवाइडेड बाय सेम आपके पास करंट लाइबिलिटीज ही रहेंगी। क्विक रेशो को अगर हम समझें तो क्विक रेशो जो आ रही है, हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करें क्विक रेशो, तो इसकी क्विक रेशो आ रही है 1.03 और इसकी क्विक रेशो जो आ रही है दैट इज 0.82। सर करंट रेशो तो दोनों की इक्वल है लेकिन क्विक रेशो में पता चला कि इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है, तो सर आप क्या लिखेंगे? सर एस एल सीम्स टू हैव अ बेटर लिक्विडिटी पोजिशन एज करंट रेशोज डिपिक्ट्स हायर क्विक रेशो, बस दैट्स इट। ओके, बट द करंट रेशोज वर इक्वल। करंट रेशोज ये डिसाइड कर लेती तो फिर आप जिसको जिसके बारे में डिसाइड हो गया आप लिख लेते, दैट्स इट। ओके जी, सिक्स है हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट। सर इसका मतलब ये है कि एसेट और प्रॉफिट का ताल्लुक है, इसका मतलब ये है कि रेशो बनेगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स नहीं है, यहाँ पे एसेट्स हैं, इसका मतलब है आप लोगों ने टोटल एसेट्स ले लेने हैं, टोटल एसेट्स, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब बड़ा आसान सा काम है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही यूज करते हैं आप लोग मेजॉरिटी सिचुएशंस में, वही प्रॉफिट जो आपने पहले भी यूज किया था। तो ये अमाउंट आ रही है जी 1,550 नेट प्रॉफिट, इसमें 250 की फाइनेंस कॉस्ट ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इसके आ रहे हैं 14,100, ये लें जी 14,100 आ गए इसके, इंटू 100 करेंगे तो एस एल की रेशो आ जाएगी। सेम इसी तरह बच्चों 2100 में 600 ऐड कर लिया आप लोगों ने, ये लें डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल करंट एसेट्स 18,900 है, टोटल करंट नहीं सॉरी टोटल एसेट्स, तो 18,900 आ गए सर इंटू 100। तो सर सिर्फ नॉन करंट कब लेने हैं? जब वो आपसे मांगे कि नॉन करंट एसेट्स को कितनी अच्छे कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है, या प्रॉफिट्स या रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स मांगा हो तो। ओके सर, क्या रेशोज़ के आंसर्स आ रहे हैं? सर अभी देख लेते हैं। सर यहाँ पे आ रहा है 12.77, तो जो एस एल है उसके 12.77 है सर। ओके सर, दूसरी कंपनी का कितना है सर? प्लीज़ देख लें ज़रा, दूसरी कंपनी का है 14.29%। ये जी कौन सी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा एसेट्स को ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट प्रॉफिट्स? ऑब्वियसली इट इज़ टी एल कंपनी, तो आपने लिख देना है टी एल सीम्स टू हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इज एसेट्स इन टू प्रॉफिट्स, दैट्स इट। ओके सो वट अबाउट नेक्स्ट सर? सर कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, कौन से हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, एक्सपेंस टू सेल्स रेशो, ये लें जी। जिसकी कम है ये रेशो वो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहा है। ओके सर कैसे करें? सर 3500 आपके पास आ रहा है एस एल का, डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स हैं 16,700, इंटू 100 कर लेंगे आप लोग, ये लें जी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4900 डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएंगे, तो 4900 डिवाइडेड बाय 35,400 इंटू 100, तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ जाएंगे एग्जैक्टली रेशोज़। कितनी रेशोज़ आ रही हैं देख लेते हैं अभी। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20.95 आ रहे हैं, ये इसका आंसर आ रहा है, ये एस एल का है जी। और टी एल का कितना है सर? टी एल का है 13.84%, ये लें सर ये टी एल। सर कौन है जो कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखा हुआ है जिसने? सर जिसकी रेशो कम है, जिसकी ये एक्सपेंस टू सेल्स रेशो कम है, उसने ज़्यादा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। तो इट सीम्स कि भाई किसने, भाई ने अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, टी एल ने अच्छा कंट्रोल किया हुआ है एक्सपेंसेस को, एफिशेंटली कंट्रोल कर रहा है। ओके सर वट अबाउट ही हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर, कौन है जो ज़्यादा लोन ले सकता है? तो सर आंसर है आप गेयरिंग रेशो कैलकुलेट करें, जिसकी गेयरिंग रेशो कम होती है उसे उधार लेने में मसला नहीं होता। सर देखें अगर गेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट डिवाइडेड बाय डेट इक्विटी भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी भी हो सकता है, ये लें। अब ये गेयरिंग रेशो है सर, ये काम करें आप लोग। अब यार ये बच्चों जिसने उधार पहले कम लिया हुआ है, जिसका उधार कम है सर, वो मतलब मैंने उधार कम लिया हुआ है लोगों से, आप लोगों ने उधार बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं सर, आपके बारे में फेमस है कि इसने हर बंदे के उधार देने हैं, हर बंदे से उधार ले चुका है, तो
तो जब आप किसी के पास जाएंगे ना, नए बंदे के पास, तो क्योंकि हम फेमस है आपके बारे में, तो लोग आपको उधार नहीं देंगे। जब आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटीज ऑलरेडी हो तो आपको उधार लेना मुश्किल आती है, आपकी कंपनी का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो जिसकी डेट गेयरिंग रेशो कम है उसको पैसा इजीली मिल जाएगा, उधार लेना होगा तो ज्यादा अच्छी एबिलिटी है उसकी। सो हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर जिसकी गेयरिंग रेशो कम है। सर गेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं सर। सर कैलकुलेट करें सर प्लीज। डेट कितना है सर आप लोगों के पास? एसएल पे डेट है 1900 का, ये लें। लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं होते हैं आप, ये लें। ओके, डिवाइडेड बाय दोनों को मिला लो, 8400 प्लस 1900, तो 8400 प्लस 1900, तो डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी इंटू 100 कर लें तो आपके पास गेयरिंग रेशो आ जाएगी एसएल की। गेयरिंग रेशो एसएल की कितनी आ रही है सर? ये आ रही है 18% सर। ये 18% उधार लेके बैठा हुआ, इसका मतलब ये है कि 18% उधार है, बाकी 84% इक्विटी है। इसका ये मतलब है, यानी अगर कंपनी में टोटल 100 लगा है तो उसमें से 18 इन्होंने डेट वालों से, उधार वालों से लिया हुआ है, बाकी 82% जो पैसा है वो किसने इन्वेस्ट किया हुआ है? इक्विटी वालों ने। इक्विटी ज़्यादा है, डेट कम है, इसका मतलब यह है कि अच्छे हालात में है। दूसरी कंपनी देख लेते हैं। दूसरी कंपनी है 4600 आपके उधार हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 4600 लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाई ये दोनों, डेट प्लस इक्विटी, तो 4600 प्लस 9450 इंटू 100 कर लें आप लोग, तो ये आप लोगों के पास परसेंटेज आ जाएगी। सर कितने परसेंट आ रही है? सर ये आ रही है 33%। तो सर खुद सोचें ज़रा, किसको उधार लेने में, जिस किसके लिए उधार लेना ज़्यादा इजी है, जिसकी गियरिंग रेशो कम है। तो ये इस तरह का इस क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन रेशो एनालिसिस पे, जिस जो कि आप लोगों को ये समझा देता है कि यार रेशोज को कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए। अब मैं इसका आंसर आप लोगों को जस्ट आप लोगों को शो करना चाहता हूँ कि यार आपको आंसर कैसे लिखना है, ये आप लोगों को पता हो। सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आप लोगों को समझा दें कि आंसर कैसे होते हैं। तो मेरे बच्चों, ये आप लोगों के सामने आंसर आ गया, आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो रेशो आपने कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला देना है, फिर एसएल के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला दिखाना है आप लोगों ने, और फिर आज का आंसर दिखा देना। इन द सेम वे टीएल के लिए भी आपने यही करना है, और फिर इन दोनों में के बारे में कोई एक कॉमेंट लिख देना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड किया जा सकता था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड किया जा सकता था, यहाँ पे कॉमेंट का, या कहीं पे भी ये लिखा जा सकता था। यानी यहाँ पे डीएल बेहतर लग रही थी तो इसके नीचे लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं, बट इट्स बेटर कि आप फार्मूला लिखें। सबसे पहले देखें उसने फार्मूला लिखा होता क्या है फार्मूला, फिर उसने वैल्यूज़ के थ्रू अप्लाई करके दिखाया, ये देखें ज़रा। कोशिश करनी है बिल्कुल इसी तरह आप लोग रेशियोज को कैलकुलेट करें और इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।